स्पॉन्सर्ड बाय गोकुल बेसन बासमती राइस दालें। कांग्रेस का दोहरा रवैया, एमएलसी कविता। निजामाबाद एमएलसी कल्वाकुंतला कविता ने प्रेस मीट में कहा कि कांग्रेस पार्टी सभी महत्वपूर्ण मुद्दों पर दोहरा रवैया अपना रही है। लद्दाख गए पूर्व कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी ने अडानी की आलोचना की ओर पूछा, क्या वो राजस्थान में भी ऐसा कर सकते हैं। उन्होंने इस बात से इनकार किया कि क्या ये सच है कि कांग्रेस के नेतृत्व वाली राजस्थान सरकार अडानी के साथ परियोजनाएं कर रही है। उन्होंने पूछा कि क्या ये सच है कि छत्तीसगढ़ में एक परियोजना को लेकर आदिवासियों की नाराजगी के कारण अडानी के साथ परियोजना का अनुबंध रद्द कर दिया गया। उन्होंने पूछा कि तेलंगाना में घोषणाओं के नाम पर वादे करने वाली कांग्रेस पार्टी ने पिछले 60 सालों में उन पर अमल क्यों नहीं किया। उन्होंने सवाल किया कि क्या कांग्रेस पार्टी ने तेलंगाना में जो वादे किए, क्या उन्हें मौजूदा कांग्रेस शासित राज्यों में लागू किया जा रहा है। कांग्रेस पार्टी लोगों को गुमराह ना करे। हैदराबाद में मीटिंग में कांग्रेस पार्टी की बैठक में आने वाले नेताओं को तेलंगाना सरकार की प्रगति से सीख लेने की सलाह दी। कांग्रेस ने 60 साल राज किया, तब क्यों विकास नहीं किया, हमें तेलंगाना का विकास किया। उन्होंने कहा कि तेलंगाना सरकार द्वारा लाई गई योजनाओं की केंद्र सरकार नकल कर रही है। केंद्रीय मंत्री किशन रेड्डी को सुझाव दिया कि बीजेपी ने 2 करोड़ नौकरियां देने का वादा किया और उस वादे को लागू करने के लिए पहल की जानी चाहिए। किशन रेड्डी ने कहा कि दीक्षा धरना हैदराबाद में नहीं बल्कि दिल्ली में प्रधानमंत्री मोदी के आवास के सामने होनी चाहिए। उन्होंने स्पष्ट किया कि तेलंगाना एकमात्र ऐसी सरकार है जिसकी सरकार ने सरकारी नौकरियों के साथ निजी क्षेत्र में 35 लाख से ज्यादा नौकरियां पैदा की। तेलंगाना निजामाबाद, नव भारत समाचार से जुगल पांडे की रिपोर्ट। Never ending TV serial, so I have no idea what is happening with that. But end of the day, party legal team will advise us and we will go through their advice. So it is not a big issue or a serious issue to be discussed. It's a politically motivated summon. We will take a legal recourse on that. Ma'am, how do you see the timing of this issue? Thank you so much. Jai Telangana.